छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा धान खरीदी, शराबबंदी और प्रदेश की कानून व्यवस्था का है। इन तमाम मुद्दों को बीजेपी सदन में उठाएगी। वहीं अहम मुद्दों के साथ बात की हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने पूर्व सीएम रमन सिंह से। हमारे साथ इस समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, 11 महीने करीब कांग्रेस की सरकार को हो गया, किस तरह से देखते हैं 11 महीने कार्यकाल? 11 महीनों में सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है और मुझे लग है कि 11 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ का सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। न नए सड़कों का निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, नगरीय निकाय के सारे काम बंद हो गए, पंचायत के काम सभी रुके हुए हैं, स्वीकृत काम जो थे उसमें भी काम रुका हुआ है। एक प्रकार से 11 महीने से स्थिर सरकार है, लोगों के तनख्वाह दे नहीं पा रही है सरकार। धान खरीदे में अभी उनकी हालत जिस प्रकार से पतली हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार न केवल आर्थिक मामलों में असफल रही है बल्कि छत्तीसगढ़ के वित्तीय मामलों में भी के साथ साथ अन्य मामले भी लगातार असफल होती जा रही है। सर, 15 साल आप बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे रहे, लेकिन भूपेश बघेल से जब सवाल पूछा जाता है आपके बारे में तो वो बोलते हैं कि रमन सिंह है कौन? अब मुख्यमंत्री है, 11 महीने से मुख्यमंत्री है और मुझे लगता है कि उनके सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करने की जरूरत है कि डॉक्टर रमन भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, 4 साल केंद्रीय मंत्री रहा और आज भी मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से ही भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे दम्भपूर्ण बातों को बर्दाश्त नहीं करती। 25 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ मुद्दा रहेगा? सभी बड़े मुद्दे हमारे सामने हैं। अभी सबसे पहला तो किसानों की पीड़ा, किसानों की तकलीफ और किसानों के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे और पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा किसानों को लेकर। कई SIT जो है कांग्रेस सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने गठित किया, कल भीमा मंडावी वाले मामले में भी हाईकोर्ट से उनको फटकार लगी, किस तरह से देखते हैं उसको पूरा? इस हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ये पूरी जांच जो है NIA करेगी और NIA की जांच निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, उससे बेहतर एजेंसी हो नहीं सकती जो जांच कर सकती है। और सरकार न्यायालय में हर मामले में निश्चित रूप से असफल हो रही है इसलिए कि उनका पक्ष सही नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, पूरे प्रदेश भर में अपराध जो है काफी बढ़ते जा रहे हैं, राजधानी रायपुर की बात की जाए लगातार लूट हत्या जैसी वारदातें आम हो गई है, अब क्या कहना चाहिए? पूरी कानून और की व्यवस्था, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, चारों तरह से सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में असफल रही है। रोज 17 चोरियां राजधानी में हो रही, कलेक्टर के यहाँ से का घर सुरक्षित नहीं है, लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, पूरे प्रदेश में जनमानस के अंदर भय व्याप्त है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और 11 महीने के कार्यकाल की बात की जाए सरकार के, तो सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपनी उपलब्धि बता पाए। ND24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ कुलेश्वर पांडे, रायपुर।